हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। इसका टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपने प्लस वन क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, रेडॉक्स रिएक्शन। उस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसेस के अंदर हमें रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ करना होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करके ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वेरियस प्रोसेसेस को पढ़ पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस जनरली कौन सी रिएक्शंस थी? वो रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते थे? जब भी किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट, एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन का। और क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन के, मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा के, इसलिए जो सब्सटेंस हमारा रिडक्शन शो करता था उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे। सिमिलरली ऑक्सीडेशन जो हमारा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट, एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो प्रोसेस हमारा काउंट होगा ऑक्सीडेशन के अंदर। अब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कोई उसके पास और कोई मॉलिक्यूल भी होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब हमारा मॉलिक्यूल, एटम जो है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसे फिर आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेसिक सी चार डेफिनेशंस हैं हमारी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर जनरली यहाँ पे दो वर्ड्स का मिक्सचर है जिसको मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जो है वो बन रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए हैं, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड जो हमारा आया है वो आया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और केमिस्ट्री वर्ड जो है वो तो फिर आएगा ही क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी हम हमारे केमिकल सब्सटेंसेस की रेडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और उन रेडॉक्स रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, दो तरह के प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। जो भी रेडॉक्स रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे होंगे उन रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर या तो हम हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों प्रोसेसेस से मेरा क्या मीनिंग है वो देखो। जब मैंने आपको ये बोला कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पे मतलब मेरा ये था कि ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, अपने आप नहीं हो पा रही, तो मैं उन केमिकल सब्सटेंसेस को, उन रिएक्टेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके एक्टिवेट करूंगा ताकि वो आपस में रिएक्ट करें और क्या करें, केमिकल रिएक्शन शो करें। तो जब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, यानी कि उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऐसा जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं। अब इससे उल्टी बात मैं बोलता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप शुरू हो सकती है, तो उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू मैं क्या कर पा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हम हमारे केमिकल्स को, यानी कि रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेसेस भी हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ से फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारी वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करेगी
रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रेडॉक्स रिएक्शन। हमारी रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे हैं या वो केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन तरह इसी तरह के रिलेशंस को पढ़ने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। जब भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ करके, तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई एक अरेंजमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उस अरेंजमेंट को यूज़ करके ही हम हमारे वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी अरेंजमेंट हम बनाते हैं हमारे वेरियस प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, या मैं बोलूँ वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जनरली हमने यहाँ पे सेल प्रिपेयर करना होता है, वो सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में जो रिलेशन है वो हम पढ़ पाएंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो जनरली दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल्स, इन्हें हम वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो प्रोसेसेस हैं, इन दो प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो टाइप के अरेंजमेंट चाहिए होंगे ना, तो उन दो टाइप्स के अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाते हैं। पहला है हमारा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जो है वो हम यूज़ करते हैं जनरली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल्स में मेरे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी जो कि स्पॉन्टेनियस होगी, और उस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। फिर हमारे पास कुछ एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करूँगा केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। मतलब जो मेरी रेडॉक्स रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और उस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। तो इस केस में हमारा जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। जो यहाँ पे मैंने आपको दो सेल्स यहाँ पे बताए, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे बन सकते हैं, उनमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को और हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर के अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, देखो मैंने एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होती हैं जो डीकम्पोज होने पर आयंस प्रोड्यूस करेंगे। आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डीकम्पोज करने के लिए उनका एक्वस सॉल्यूशन भी बना सकते हो। मतलब मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट का, और जब मैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जब ऐसा केस आपको मिलेगा, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बना के उसे डिसोसिएट करते हो, या एक्वस सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली उसको हीट कर दो, जब वो सॉलिड फॉर्म से मेल्टेड फॉर्म में आएगा तो वो क्या करेगा, डीकम्पोज होकर आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसी प्रोसेस को फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के डीकम्पोजिशन करेंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने के लिए जो अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना होता है,
और उस कंटेनर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है फिल कर सकते हो जिसकी डीकम्पोजिशन आप करवाना चाहते हो। तो ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दिया। एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी वाला सॉल्यूशन। तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसके अंदर मैंने दो मेटल रॉड्स को डिप करना है। तो एक मेटल रॉड जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में बना देता हूँ और एक मेटल रॉड जो है वो मैं राइट हैंड साइड में बना देता हूँ। दोनों मेटल रॉड्स को हमने कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में मैंने बनाया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और राइट में मैंने बनाया नेगेटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोड है ये वाली, ये इलेक्ट्रोड हमारी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रोड हो जाएगी हमारी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अभी मैं इनको एनोड और कैथोड नहीं बोल रहा, वो नाम हमारे कैसे आएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, एक बीकर मैंने लिया या एक कंटेनर मैंने लिया, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने दो मेटल रॉड्स को डिप कर दिया। इन दोनों मेटल रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर देखो, ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के नेगेटिव आयन्स होंगे वो सारे इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही जो हमारी राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स जो होंगे वो आगे इकट्ठे हो जाएंगे। ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो वो इलेक्ट्रोड्स जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, मतलब कैटायंस मूव करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को फिर आप बोलते हो कैथोड। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिवली चार्ज आयंस मूव करते हैं, मतलब एनायंस मूव करते हैं, तो उसे फिर आप क्या बोलते हो? एनोड बोलते हो। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो है हमारी एनोड और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो है हमारी कैथोड। तो यहाँ पे दोनों टाइप की जो रॉड्स थी वो हमारे पास थी। एनोड ने नेगेटिव चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट किया और कैथोड ने पॉजिटिव चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट किया। तो ये जो हमारे आयंस होती हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट से मूव करती हैं और इलेक्ट्रोड के पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रोड के पास आने के बाद जो हमारे कैटायंस या एनायंस थे, ये कैटायंस और एनायंस हमारे न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोड्स के बाद आने के बाद जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन्स थे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ताकि ये बन जाएं न्यूट्रल स्पीशीज, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन थे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे क्या करना है? न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होने हैं। तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको देगी? हमारे मेटल इलेक्ट्रोड को देगी। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज जो है इसने भी न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होने हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब हमारी इलेक्ट्रोड ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो उस केस में ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जो हमारी एनोड है, एनोड के पास है नेगेटिवली चार्ज आयंस और वो नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि एनोड के ऊपर जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस हम शो करेंगे? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम शो करेंगे। सिमिलरली जो हमारे कैटायंस हैं कैथोड वाली साइड पे, वो कैटायंस क्या करेंगे? वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि कैथोड के ऊपर जो है प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं।
तो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन शो होती है और कैथोड इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन शो होती है। एक ही प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस को हम करवा रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा अरेंजमेंट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवा पा रहे हैं। तो ये जो भी कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया, इस कंसेप्ट को हम फटाफट जो है वो पढ़ लेते हैं नोट्स में से। द अपरेटस यूज्ड फॉर ब्रिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जैसा मैंने बताया था। अब आगे मैंने जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन बताई हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, यहाँ पे इनके बाद विच भी आएगा, इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है और मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है। टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड इन टू इट एंड आर कनेक्टेड टू द बैटरी, जैसा मैंने बताया था। दीज रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड एंड अदर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी, लेकिन मैंने जब आपको इसका मैकेनिज्म समझाया तो मैंने उसके अंदर प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आपको बताया कि हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे एनायंस आ रहे थे, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड हमने किस लिए बोला था क्योंकि वहाँ पे कैटायंस आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें मैंने मैकेनिज्म में डिस्कस की हुई हैं। आप पहले यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, मैंने एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, दो उसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, जो एक इलेक्ट्रोड है हमारी वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो वो नेगेटिवली चार्ज थी। एनोड कैथोड है, एनोड के पास मैंने सारे नेगेटिवली चार्ज आयन शो किए और कैथोड के पास मैंने सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वो शो किए। तो इसका मैकेनिज्म हम फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में देखो, वेन एवर एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर और टेकन इन द मोल्टन फॉर्म, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स, जैसा मैंने बताया। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मूव टुवर्ड द कैथोड एंड हेंस कॉल्ड कैटायन्स, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स मूव टुवर्ड्स एनोड एंड हेंस कॉल्ड एनायंस। ऑन रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स द कैटायन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीशीज, कैटायन जो होते हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं कैथोड से और न्यूट्रल बन जाती हैं। वेयर एज एनायन गिव इलेक्ट्रॉन टू एनोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीशीज, एनायंस जो होते हैं वो एनोड को इलेक्ट्रॉन देते हैं। थस ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड वाई रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड, जैसा मैंने आपको बताया। द कन्वर्जन ऑफ आयन्स इन टू न्यूट्रल स्पीशीज एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। जो हमारे कैटायंस और एनायंस हैं वो जब न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रल स्पीशीज में कैसे कन्वर्ट होंगे, एनायंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे और कैटायंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद जो न्यूट्रल स्पीशीज बन चुकी हैं वो या तो स्टेबल होंगी या स्टेबल नहीं होंगी। तो अगर वो स्पीशीज हमारी स्टेबल हैं तो प्राइमरी चेंज पे प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रल स्पीशीज हमारी स्टेबल नहीं है तो वो न्यूट्रल स्पीशीज जो हैं वो फर्दर आगे रिएक्शन या प्रोसेस शो करती हैं, और उस फर्दर प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। तो यही मैंने आगे बताया हुआ है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज मे अंडरगो सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैंने फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लेड ब्रोमाइड का एग्जांपल भी लिया हुआ है। लेड ब्रोमाइड जो है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास होगा PbBr2। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस मैं कैसे समझा सकता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने मोल्टन लेड ब्रोमाइड ले लिया, मतलब मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाया, लेकिन हाँ मैं इसको मेल्टेड फॉर्म में जो है वो ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा मोल्टन PbR2, जो आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा, बनाएगा Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। ये वाली जो मेरी रॉड है ये एनोड है क्योंकि मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कंबाइन करूँगा,
और ये वाली जो मेरी रोड होगी ये मेरी कैथोड होगी, क्योंकि इसको मैं नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से कंबाइन करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे बैटरी जो है वो अटैच कर दी है। अब देखो होगा क्या, जो हमारी एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ब्रोमाइड आयंस जो हैं वो इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे, जो हमारी कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो जो हमारे लेड आयंस हैं वो हमारे राइट हैंड साइड में अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो एनोड है उसके पास सारे ब्रोमाइड आयन आके इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारी कैथोड है उसके पास सारे लेड आयंस जो हैं वो आके अटैच हो जाएंगे। अब दोनों के दोनों ने किस में कन्वर्ट होना है, न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट होना है। न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट होने के लिए ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ब्रोमाइड से बनेगा ब्रोमीन एटम, और जो हमारे लेड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेड आयंस जो हैं वो रिडक्शन शो करेंगे और ब्रोमाइड आयंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे। तो यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एट कैथोड, कैथोड हमारी ये है, पीबी टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू पीबी। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। रिडक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने प्राइमरी चेंज किया, मेरे लेड आयंस को मैंने लेड एटम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एट एनोड। एनोड पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा ब्रोमाइड आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का। और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। अब देखो आपको भी पता है कि जो हमारा ब्रोमीन होता है वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ब्रोमीन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है एज ए Br2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ये हमारा ब्रोमीन एटम बना, ये एक ब्रोमीन एटम दूसरे ब्रोमीन एटम से कंबाइन होके क्या बनाएगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी चेंज के अंदर हमारी जो भी स्पीशीज़ बनी वो स्पीशीज़ जो हैं वो फर्दर रिएक्ट करके एक नई स्पीशीज़ बना रही हैं, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर रही हैं। तो इस चेंज को फिर हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के रिगार्डिंग एग्जाम्पल था लेड ब्रोमाइड का। बाकी सब चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।